कन्हैया कुमार ने थामा कांग्रेस का हाथ, तो आइए जानते हैं पार्टी ज्वाइन करने की वजह। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, आई एम साहिल व्यास, यू आर वेलकम टू 3D मीडिया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के फॉर्मर चेयरमैन कन्हैया कुमार और गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कन्हैया और जिग्नेश ने राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा है। इस दौरान कन्हैया कुमार ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की वजह भी बताई। पार्टी में शामिल होने के बाद कन्हैया ने कहा, शहीद आजम भगत सिंह को हम नमन करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कुछ उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन के इस दौर में सभी को पहले से ही बहुत कुछ पता है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं क्योंकि यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है, यह एक विचार है। यह देश की सबसे पुरानी और सबसे लोकतांत्रिक पार्टी है और मैं लोकतांत्रिक पर जोर दे रहा हूं। सिर्फ मैं नहीं, कई लोग सोचते हैं कि देश कांग्रेस के बिना नहीं रह सकता। कन्हैया ने आगे कहा कि मैं कांग्रेस में इसलिए शामिल हो रहा हूं क्योंकि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग केवल लोग नहीं है बल्कि एक सोच है। ये ना केवल सत्ता पर काबिज हुए हैं बल्कि इस देश का प्रेजेंट और फ्यूचर खराब करने में लगे हैं। मैं कांग्रेस में इसलिए शामिल होना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस अगर नहीं बची तो ये देश नहीं बचेगा। जैसे कन्हैया कुमार रखना चाहते हैं इस देश का ख्याल, उसी तरह आरओ केयर इंडिया रखता है आपके वोटर प्यूरिफायर का ख्याल। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट टुडे आरओ केयर इंडिया वेबसाइट। कन्हैया कुमार ने कहा कि यूथ को लगने लगा है कि कांग्रेस नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा, और ऐसे में वे लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल का कांग्रेस ही लीडरशिप कर सकती है। मूल रूप से बिहार से ताल्लुक रखने वाले कन्हैया जेएनयू में अलजली देश विरोधी नारेबाजी के मामले में गिरफ्तारी के बाद सुर्खियों में आए थे। कन्हैया पिछले लोकसभा इलेक्शंस में बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह के खिलाफ भाकपा के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जिग्नेश गुजरात के वडगांव असेंबली एरिया से निर्दलीय विधायक हैं। तो ये थी इस टॉपिक की कुछ हाईलाइट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। मैं हूं साहिल व्यास, साइनिंग आउट।